हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं इस वाली जो नेक बैंड है जो कि रियलमी की तरफ से आती है, रियलमी 2 न्यू इसकी मॉडल नंबर है, ठीक है। और आप देख पाएंगे दोस्तों इसमें थोड़ी सी इसमें लिखी होगी, रियलमी की तरफ से ब्रांडिंग की होगी। ये देखिए दोस्तों, ये है रियलमी की तरफ से नेक बैंड है, ठीक है। और इसकी कुछ खासियत है कुछ इस तरह से, ये मैग्नेट चिपक जाता है, ये तो कॉमन की बात है, लेकिन ये अब मैग्नेट से अलग होता है तो यहाँ पे एक ग्रीन LED ग्लो करने लग जाता है। और उसके बाद जब मैं इसको मैग्नेट को चिपका दूंगा इस तरह से तो ये लाइट बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है, ये बंद हो गया। और इसके देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पे इधर से बैटरी पैक है, और ये सब है इस तरह से कुछ नेक बैंड है। और इसमें येलो कलर की वायर दी गई है। तो दोस्तों ये है हमारा पास रिपेयर होने आया है, क्योंकि इसकी जो राइट साइड है जो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है ये इसकी खराब हो चुकी है, साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कस्टमर का बोलना है कि कुछ ऐसे खिंचा हुआ, जोरदार खिंचा हुआ, तो अंदर से कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ है, ये यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, तो रिपेयर होने आया है। तो रिपेयर होने से पहले मैं हमेशा आप सभी को खोल खाल के दिखाता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में व्हाट इज इनसाइड ये नेक बैंड, जो नेक बैंड के अंदर में क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, खोल के दिखाऊंगा, इसकी वॉल्यूम वाली साइड खोल के दिखाऊंगा, बैटरी वाली साइड खोल के दिखाऊंगा, हो सके तो मैं आपको स्पीकर खोल के ही दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी स्पीकर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमको बारी बारी करके चेक करना होगा, उसकी वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो में हम खोल खाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मेन दिक्कत आती है कि इस तरह को जो है आपके पास जो भी है नेक बैंड हो, आपकी ईयरफोन हो, ईयरबड हो, तो आप किस तरह से खोलेंगे इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से सील होती है, मतलब ये एक टाइप की ग्लू होती है जो कि चिपकाया जाता है, तो उसको कैसे आप खोलेंगे, रिमूव करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और वो आप भी क्या आपके बच्चे भी घर पे कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी चीज को ग्लू में चिपका हुआ चीज को खोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्लू थोड़ी सी हीट पाने से वो अपना जो जोड़ है मजबूत है वो छोड़ने लग जाता है, तो इसके लिए हम आप ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट एयर गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज नहीं है तो मार्केट में भाई मिल रहा है 10 रुपये वाला लाइटर, सस्ते जुगाड़ है, 10 रुपये वाला लाइटर लाइए, और ये जो है ये माइनस में रखिए पूरी तरह से, और इसकी जो फ्लेम है बहुत हल्की सी रखनी है आपको, और जो जहाँ पे जॉइंट है हल्की हल्की उसके ऊपर में इससे राउंड राउंड चढ़ाना है, ठीक है, राउंड चढ़ाते हुए जाना है। देखेंगे थोड़ी सी हीटिंग होना आ गया है, मतलब यहाँ पे टच करेंगे तो ये हीट होना लग जाएगा। तो उसके बाद आपकी जो ओझार है जो कुछ है, इस टाइप की कुछ चिमटी है, और इस टाइप की कुछ चक्कू है, और इस टाइप की भी आप पैस हो सकती है आपके पास जो है पतली से सबसे पतली, या तो आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप इसको निकालना खोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो यही वाला साइड से हम खोलेंगे क्योंकि इस वाला साइड में प्रॉब्लम है, तो ये वाला साइड में बैटरी पैक है मेरे को लग रहा है, तो इसको भी हम ओपन करके दिखाएंगे आपको। इस वाली को मैं काट के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये दूसरी कस्टमर का है, तो मैं क्रेप से कुछ करूंगा अपना होगा, तो मैं आपको काट छाट के भी दिखा सकता हूं कि इसके अंदर में क्या एक्चुअल में, क्योंकि यहां से यहां तक का जो एक सेंसर बन रहा है शायद उसके लिए भी कुछ है इसके लिए, तो सब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से थोड़ी सी हीट करके इसको ओपन करते हैं, हल्की हल्की हीट लगानी है, ठीक है, जहां पे जॉइंट है, तो यहां पे जॉइंट है इसकी, यहां पे जॉइंट रहती है, इधर साइड भी जॉइंट रहती है, तो आपको इतनी हल्की हल्की हीट लगाना है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको प्लास्टिक को मेल्ट नहीं करना है, बस हल्की हल्की हीट लगानी है और दोनों तरफ से, तो ये आपका ग्लू है जो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हल्की हल्की हीट होना आ चुका है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ये मैं अपना सिंपल सा, देखिए ये आसानी से निकल जा रहा है, देखिए ये जो ग्लू है ये आराम से छूट रहा है अपना एरिया में, आपका छूट रहा है, ठीक है। मैं आपको छोटे से छोटे ट्रिक दिखाता हूँ जो कि आपके बच्चे भी घर पे कर सके, इस टाइप की कुछ बहुत हार्ड ट्रिक नहीं है मेरा, तो आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि इसे ट्रिक छोटा छोटा ट्रिक दिखाता हूँ जो कि आपके लिए काम के हो। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे ग्लू छोड़ रहा है, ये अपना जगह छोड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी आसानी से ये निकल चुका है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसकी जो सर्किट है किस तरह से है, और यहाँ पे ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, और ये है इसकी बटन है प्लस माइनस, और ये आपकी ऑन ऑफ का है। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से इसकी जो ग्लू है वो निकल चुकी है, यहाँ पे 2 स्क्रू है, और उसके बाद ब्लूटूथ की जो IC है और मेमोरी उसकी है, उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन है, चार्जिंग सॉकेट है, और आपको देखने मिल रहा है ये बहुत छोटी छोटी देखिए कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे वायर किस तरह से है यहाँ पे ग्लू में चिपकाया गया है, तो इसको भी हम खोलेंगे, पूरी पूरी रबर का ये सेट है, तो ये खोलेगा तभी जाके निकलेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरी वाली साइड का, इसका भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसको भी इस तरह से थोड़ी सी हीट करनी है, तो ये निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये इसकी ग्लू है, तो ये ग्लू छोड़ रहा है,
देखिए थोड़ी सी हीट देने से खोल रहे। तो इसकी कितनी एमएच की बैटरी है, क्या है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये लॉक है, लॉक टूटनी नहीं चाहिए, लॉक एक बार टूट गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए ये निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर में वायर है, यहाँ पे वायर दी गई है, बहुत सारे वायर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें बैटरी की कितनी एमएच की है। कैपेसिटी 150 एमएच का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 150 एमएच का है और वोल्टेज है यहाँ पे 3.8 वोल्ट। डेट ऑफ यहाँ पे है 20/21/0222। रिचार्जेबल लायन पॉलीमर जेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा। वायर नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि इस टाइप का हमारा कुछ काम नहीं है फिलहाल के लिए, तो इसको हम लगा देते हैं। तो मेन है हमारा इधर साइड में काम है, तो इधर साइड में हम काम करते हैं अपना। गैस यहाँ पे स्टार स्क्रू दी गई है, तो स्टार स्क्रू ड्राइवर खोलेंगे इसको। और उसके बाद और एक चीज का ध्यान रखिए कि ये सर्किट है उसको लॉक में लॉकिंग किया गया है। तो यहाँ पे ये लॉक को आपको तोड़ना नहीं है, ये लॉक को आपको खोलना है, ओपन करना है। तो ये लॉक टूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकते हैं। तो छोटी छोटी प्लास्टिक की लॉक होती है, दो ही लॉक है। तो ये भी ग्लू से निकल चुका है और इसको निकालेंगे। ये निकल चुका है, आसानी से निकालेंगे इसको। और ये इसको पकड़ के रखा है, ये कुछ इस टाइप से घूम के निकलेगा वो। तो ये भी ग्लू में चिपकाया गया है, सब ग्लू में चिपकाया गया है। सो गाइस ये है इसकी सर्किट बोर्ड, आप देख पाए दोस्तों कितनी सर्किट है। और वायर भी बहुत पतली पतली है, और इसमें देखिए इसमें सिर्फ दो ही वायर है जो इसकी स्पीकर के लिए जा रहा है, और इसमें काले कलर की पेस्ट यहाँ पे ग्लू यहाँ पे चिपकाया गया है, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, लिखावट है, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है वो सब। V+ यानी कि वोल्टेज आपका बैटरी का है, और ग्राउंड मतलब वोल्टेज बैटरी से जो ग्राउंड आ रहा है उसके बाद। और उसके बाद नीचे में देखिए S और S- लिखी हुई है स्पीकर के लिए, S+ S- लिखी हुई, और बीच में दो चीज है के ऊपर में ग्लू लगाया है, बैटरी से दो वायर आ रहा है वो है, उसके बाद स्पीकर के लिए दो आ जा रहा है, चार है। और जो दो गया है वो किसके लिए है वो अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आज मैंने इसको पूरी तरह से खोल खाल के रख दिया हूँ। इस वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो ये आपकी इतने सर्किट बोर्ड सब कुछ देख चुके हैं, किस तरह से क्या है, इसकी पार्ट आएगा, इसको किस तरह से रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाला साइट हमारा खराब है। आई होप दोस्तों ये छोटी सी आपकी टियर डाउन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टियर डाउन वाली वीडियो आपको सभी को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, इस वाली वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों इसकी रिपेयरिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।